नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी के देवबंद में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण पर जानलेवा हमला हुआ है। उन पर गोली चली है, लेकिन वह बाल बाल बच गए हैं। हालांकि वह घायल हैं और उन्होंने दर्द में होते हुए भी इस हमले पर अपना बयान दिया है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे लोगों ने उनकी पहचान की। उनकी गाड़ी आगे सहारनपुर की तरफ भागी है, हमने यू टर्न ले लिया। हमारी गाड़ी अकेली थी, कुछ 5 लोग थे। हमारे साथी डॉक्टर को भी शायद गोली लगी है। मिली जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर की कमर पर गोली के छर्रे लगे हैं। अब तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। आगे कहा, जिस समय हमला हुआ उस समय हमारी गाड़ी अकेली थी और हमारे लोग आगे पीछे थे। जब रावण से पूछा गया कि उनके लोगों ने हमलावरों का पीछा नहीं किया, तो रावण ने कहा कि हमने यू टर्न ले लिया, उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। चंद्रशेखर ने आगे कहा, हमारे साथी डॉक्टर साहब ब्रजपाल के हाथ से दोस्तों ब्लड निकल रहा है, शायद उनको भी गोली लगी है, मुझे और कुछ याद नहीं है। जब गोली चली तो मुझे थोड़ी घबराहट हुई, मैंने सहारनपुर के एक वरिष्ठ अधिकारी को फोन किया, मैंने उनको गोली चलने की जानकारी। वहीं इस हमले में SSP सहारनपुर डॉक्टर विपिन टाडा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, गोली उनके पेट को छूते हुए गई है, उनकी हालत स्थिर है, वे खतरे से बाहर हैं, पुलिस मामले की जांच करेगी और आवश्यक कार्रवाई करने वाली है। लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त आई है उत्तर प्रदेश से, जहां भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर दोस्तों हमला हुआ है, उनकी गाड़ी भी दोस्तों गोलियां चलाई गई है। हालांकि यहां पर चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बच गए हैं, पूरे इलाके को दोस्तों घेर लिया है और भारी पुलिस जब्ता तैनात कर दिया है। पुलिस दोस्तों अब CCTV फुटेज खंगाल रही है, तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।